बढ़ने देगी वो है चरित्रहीनता की बेड़ी। आप उस बेड़ी को काटना होगा, सबसे पहले अपने चरित्र को मजबूत बनाना होगा कि मेरा चरित्र सर्वश्रेष्ठ रहा तो मैं सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूं। और कहते हैं कि चरित्रवान, चरित्रवान जो चाहता है वही प्राप्त है, कर लेता है। और वेद में तो एक बात आई, एक मंत्र आया, उसमें कहा चरित्रवान कहता बता धरती तुझे इधर पलटू या उधर पलटू। इसका अर्थ है चरित्रवान जीवन में जिस लक्ष्य को ठानता उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज चरित्र क्या हो गया है, सब अश्लील चीजें देखने को मिलती हैं, अश्लील चीजें सुनने को मिलती हैं, चरित्र की बातें नहीं सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। तो चरित्र में मोटा सा ये है कि हम कोई गलत चीज ना सुने, ना बोले, ना देखें। और हर लड़का हर लड़की को अपनी बहन की दृष्टि से देखे, और हर लड़की हर लड़के को अपने भाई की दृष्टि से देखे। यदि आपके चरित्र में ये बल है, और मैं आपको बता दूं, सुनो आप अभी छोटे बच्चे हो, पता नहीं मेरी बात किसको छू जाए और किसका जीवन सुधर जाए। मैं कहता हूं यदि किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगने लगे या किसी लड़की को कोई लड़का अच्छा लगने लगे तो समझ लेना मेरे चरित्र में दोष है आ गया है। अभी अच्छा लगा, मन में बुरे विचार नहीं आए, सोच लेना मेरे पांव में बेड़ी पट चुकी है और वो बेड़ी ऐसी है मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। यदि अभी तुरंत काट दिया तो काट दिया, फिर नहीं कटेगी। और जो इन आपस के चक्रों में फंसते हैं ना, उनका हाल कैसा हो जाता है, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बातें लोग सुनना भी पसंद नहीं करते भाई चरित्र की। मैं कहीं जाऊं तो सोचेंगे क्या शुरू कर दिया, सिर को खुजाने लग जाएंगे, ब्रह्मचर्य की बातें सुनना पसंद नहीं कहीं। आज तक मुझे सिर्फ दो परिवार मिले हैं जिनके माता पिता ने मुझे कहा है कि मेरे बेटे को चरित्र की ब्रह्मचर्य की शिक्षा देकर के जाओ। हिसार में एक रेसलिंग का कोच है रमेश सिहाग डीपी है, और एक कुलदीप नैन वो हैंडबॉल का कोच है, उनके लड़के एक परीक्षित है एक लोकेश है। उन्होंने मुझे बुलाया सिर्फ, आज चरित्र के बारे में ब्रह्मचर्य के बारे में कोई सुनना ही पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें सुनाऊंगा। आदरणीय प्रतीक जी ने भी कहा कि हाँ चरित्र के बारे में बताओ ही नहीं। यदि आपके जीवन में कोई चीज ये चीज फंस गई ना, ये सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा आपके लक्ष्य के लिए, भविष्य के लिए भी सचेत कर रहा हूं तुम्हें, भविष्य के लिए भी। मैं 12 साल हो गए मुझे ब्रह्मचर्य बोलते हुए, पता नहीं कितने अनुभव है मेरे पास, कितने लोग आते हैं और जाते हैं मेरे पास पूछने के लिए समझने के लिए। इतनी खतरनाक चीज है तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम कब फंस गए, फंसने के बाद पता चलता हो निकले कैसे और फिर निकल नहीं पाते। और हाल कैसा हो जाता है एक उदाहरण से बताता हूं। गुड़ का लाड़ा समझते हो तुम, पिघला हुआ गुड़ है, गुड़ का लाड़ा जिसे बोलते हैं समझते हो, जब गुड़ पिघल जाता हो तो उसे लाड़ा बोलते हैं, पिघला हुआ गुड़ कहते हैं। एक उदाहरण समझाने के लिए बताया कि एक मक्खी गुड़ के लाड़े पर बैठती है, और मक्खी ने जब गुड़ को खाना शुरू किया तो सोचा अरे हो पता नहीं क्या मिल गया, इतना मिठास, इतनी बढ़िया चीज आज तक नहीं मिली जीवन में, मानो पहली बार मेरे जीवन में इतनी आनंददायक, इतनी खुशी देने वाली, इतना मजा देने वाली चीज मुझे आज पहली बार मिली है। और मक्खी उस गुड़ के लाड़े को खाते खाते इतना मगन हो जाती है और सोचती आज पहली बार ऐसा जीवन में आनंद आया है। और जब खाते खाते उसका पेट भर जाता है और मक्खी उड़ना चाहती है तो क्या होता है, क्या होता है, उड़े उसके पांव चिपक जाते हैं, उड़ नहीं पाती। अरे वो फड़फड़ाती है, पंखे मारती है, कोशिश करती है, पर उड़ नहीं पाती और उसी में फंस करके मर जाती है। जिस चीज में उसे इतना आनंद इतनी खुशी आ रहा था वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आएंगी जो शुरू में आपको बहुत बढ़िया लगेगी, आनंद देने वाली लगेगी, लेकिन एक दिन आपको दुख में डाल देंगी। मैं निकालना चाहता हूं उन विद्यार्थियों को जो बुरी आदत में फंस गए हैं, और सावधान करना चाहता हूं उन्हें जो भी फंसे नहीं है। बचने का तरीका सिखाता हूं तुम्हें, हर लड़की को अपने भाई की दृष्टि से, लड़की को अपनी बहन की दृष्टि से। फिर भी कोई रूप बहुत सुंदर हो,
और वो रूप आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले। अरे इतना सुंदर रूप है, और बार बार उसको देखने की इच्छा हो कि एक बार और देखो, मन में भी वही रूप आने लगे। घर गए तो किताब खाई तो किताब में वही चेहरा देखने लगे, मन में वही रूप आने लगे। तो ऋषियों ने बचने का उपाय बताया, योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने बहुत जबरदस्त तरीका सिखाया। क्या सिखाया ऋषियों ने? कहा कि गंदगी की कल्पना करो। किसकी कल्पना करो? ये शरीर किससे भरा हुआ है? गंदगी से। जब भी वो सुंदर रूप दिखाई दे तो गंदगी की कल्पना करो। हम सुबह शरीर से गंदगी निकालनी शुरू करते हैं ना, शौच आदि के लिए जाते हैं, शरीर से गंदगी निकलती रहती है। जैसे आपके मन में वो रूप आए, और इतनी सुंदर नयन नक्स, इतना सुंदर रंग, इतना सुंदर रूप उसका, मन में वो रूप आया, गंदगी को ले आओ साथ में। रूप क्या थे देखो, इसकी नाक में गंदगी आई हुई है। कितने सुंदर रूप क्यों ना, उसकी गंदगी की कल्पना करो, और दोनों नाकों में जरूरत नहीं, एक में भी काम चल सकता है। अरे एक में भी काम ना चला तो अब तुम्हारे हाथ में उसने कितना गलीज बना दो, मुंह में जग उड़ा रहे हैं, लाल टपक रही है, और नाक की गंदगी की बिल्कुल होठों तक आ गई है। ये सोचना, जब तुम ये सोचोगे देखोगे तो तुम्हें लगेगा अरे हूं इतनी गंदगी, क्या मैं इस गंदगी के ऊपर मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे माता पिता की इज्जत, मेरी इज्जत, क्या मैं इस गंदगी के ऊपर दांव पर लगा दूं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए चरित्र का महत्व समझना प्रिय विद्यार्थियों, चरित्र की कीमत समझना। मैंने देखा है, आपको कॉलेज में जाओगे तो चरित्रवान मिलने बड़ी दुर्लभ हो जाएंगे, और कितना महत्व है बताऊं आपको? एक के आगे एक जीरो लग जाए तो कितना बन जाता है? दो जीरो लगाई, तीन जीरो लग जाए, चार जीरो लग जाए, पांच जीरो लग जाए, जीरो बढ़ाते रहो संख्या, संख्या बढ़ गई करोड़ों में, अरबों में, शंख नील में, कितनी बड़ी संख्या हो गई। अब एक को हटा दो, क्या रह गया? क्या रह गया? एक के हटते ही सब जीरो हो गया। मैं कहता हूं अपने जीवन में कितनी उन्नति, समृद्धि, धन, गाड़ी, कोठी इकट्ठी कर लेना, यदि जिस दिन ये एक चरित्र हट जाएगा ना, उस दिन सब एकदम नष्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा गाड़ियों में